गाइस, सो आज हम आपको अपनी ईद की तैयारियां दिखाएंगे जो हमने शॉपिंग की है। और वैसे भी ईद आया है ये, तो यस शॉपिंग देख लें। ये मेरा फर्स्ट डे के कपड़े हैं जो कि मैंने पर्पल कलर के लिए हैं। और ये कुर्ता शेप शर्ट है जिसके साथ नीचे हमारे पास क्यू लॉट है, जो क्यू लॉट होता है इस तरह का, उसके भी सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है नीचे। और इसके साथ जो मैं ज्वेलरी पहनूंगी वो मैंने ये नेकलेस लिया है चेन सा, क्योंकि आजकल चेन का बड़ा फैशन चल रहा है, ये लिया। और साथ मैंने ये एंकलेट लिया है जिस पर चांद बने हुए हैं। साथ मैंने ये इयररिंग्स लिए क्योंकि ये इयररिंग्स इसको बड़े अच्छे मैच कर रहे थे, तो मैंने कहा ये ले लेते हैं। और बैंगल्स लिए हैं पर्पल और गोल्डन कलर की, सब कुछ गोल्डन है, जैसे गोल्डन जरा उठता है इन चीज़ों पर। साथ जो मेरे पास खुस्से हैं वो भी गोल्डन कलर के हैं, दे मैच एज वेल। और साथ दुपट्टा भी गोल्डन कलर का। ये मेरा पूरा फिट है फर्स्ट डे का। सो गाइस, अब चलते हैं अपने सेकंड डे कपड़ों पे, जो कि मैंने ज़्यादा इस बार पर्पल और मोव से कलर चूज। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने सेकंड डे के कपड़ों के साथ। तो सेकंड डे के मैंने जो है ये लिए हैं जो कि मोव कलर के हैं। इस बार मैंने ज़रा पर्पल सही रखा है सारा। ये मोव कलर के पे सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस तरह, और ये पूरी एक फ्रॉक है, ठीक है। तो इसके साथ जो मैंने ज्वेलरी मैच की है वो मैंने लिए हैं ये झुमके, क्योंकि थोड़ा सा देसी देसी लुक दे देते हैं हम। और ये मैं चूड़ियाँ लिया है जो हल्की सी मोव और पिंक सी कलर की हैं। और वही एंकलेट मैंने लिया है, और खुस्से भी हमारे साथ यही जाएंगे क्योंकि गोल्डन सारा इन पर एम्ब्रॉयडरी वर्क है, तो इस साथ ये भी अच्छा लग रहा है। और साथ ये गोल्डन कलर का थोड़ा सा दुपट्टा लिया डल गोल्ड सा। तो ये मेरे पास सेकेंड डे का फिट है। इसके ब्लाउज़ पर भी सारा काम हुआ। यस गाइस, अगर हम अपने थर्ड डे की तरफ चलें तो हमारे पास थर्ड आउटफिट है ये कुछ पिंक सा कैजुअल सा है, क्योंकि आप देसी आउटफिट से निकल जाते हैं थर्ड डे पे। तो इसके साथ जो मैंने किया है, मेरे पास ये पिंक शर्ट है ब्रेकआउट की, और ये मेरे पास पिंक कलर की शर्ट है जो फ्रॉक टाइप सी है, और साथ नीचे ब्लैक बेल बॉटम है। और इसमें से मैं इयररिंग्स पहन लूँगी कोई, और जो मैं जूते साथ मैच किए मैंने कॉन्वर्स, जो मैंने प्री मार्क से मंगवाए थे कॉन्वर्स स्टाइल है ये। तो यस गाइस, ये मैंने थर्ड डे का फिट है क्योंकि सो गाइस, ये मेरा फर्स्ट डे के कपड़े हैं। इसमें मैं ये पिंक शलवार कमीज है साथ क्यू डॉट और साथ ये खुस्से हैं, और साथ ये बैंगल्स हैं, और ये पिंक कलर के इयररिंग्स हैं, और ये एक और दुपट्टा भी है इसके साथ। सेकंड डे के कपड़े हैं, ये मैं एक फुल मैक्सी पहनूंगी लॉन्ग, और साथ जो है ये मेरे जूते हैं पंप्स हैं, और साथ ये मेरा नेकलेस है, और एक वो भी है कड़ा, और इनमें से मैं कोई भी एक इयररिंग्स पहन। सो गाइस, ये मेरे थर्ड डे के कपड़े हैं। इसमें मैं एक ये शर्ट पहनूंगी, और साथ एक काइंड ऑफ बेल बॉटम है, और साथ में ये शूज है। दैट्स ऑल फर्स्ट डे के कपड़े, और इसके साथ ये बैंगल्स है एंड दिस कुसे एंड दिस पजामा। आई सी माय सेकंड डे के कपड़े, दिस इज लाइक हील्स लाइक पर्स, आई लाइक दिस ब्रेसलेट एंड दिस जूनियर, आई लाइक फ्रॉक। आई सी माय थर्ड डे के कपड़े, पैंट एंड शर्ट, and this is like my bracelet and this is my shoes। हमारी छोटी सिस्टर है, उसके ये कपड़े हैं फर्स्ट डे के। उसके लिए हमने लिए हैं फ्रॉक वाइट कलर की, जिसके साथ ये सॉक्स हैं वाइट, और बैंड है हेयर बैंड, और साथ इसके साथ हमारे शूज़ हैं। गाइस, सेकंड डे के लिए उसकी भी ये फ्रॉक है, फ्लोरल प्रिंट है, और साथ हमने पिंक सॉक्स लिए हैं, और साथ ये पिंक हेड बैंड है। और गाइस, इसके ये थर्ड डे के कपड़े हैं, ये भी फ्रॉक है एक जो बो टाइप सी है पिंक कलर में, और साथ ये ब्लैक बो हेयर बैंड।
Hey guys, so आज ईद का सेकेंड डे और हम अभी तावे में अपने कज़न से घर आए हैं. सुबह हम नानों के घर गए थे और आज हमारी कज़न का वेलकम है, तो हमने उसके लिए सारा अकीका का बनाया. सो गाइस, अभी हम आपका सेकेंड डे का अपनी ईद फिट चेक करेंगे. जो मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा सेकेंड डे का फिट है. इस तरह का मैंने इस तरह की फ्रॉक पहनी थी, आपको दिखाई थी पहले व्लॉग में, और इन्होंने भी कुछ फ्रॉक.